हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 6, तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग की है मैंने 6 बजे से। और अभी ना मैं सुबह झाड़ू लगा चुकी हूँ पूरे घर में अच्छे से, इसके बाद ही हाथ मुँह धो के आ गई हूँ जी किचन में, क्योंकि अब जो है नाश्ते की तैयारी होगी और जो लंच जाएगा उसकी भी तैयारी होगी। तो सबसे पहले किचन में आते ही अपनी गैस और काउंटर टॉप को एक बारी पोंछ लेते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने भी बचपन में मतलब देखा हुआ है, अब तो खैर गाँव में भी मतलब जो मिट्टी के चूल्हे वगैरह होते हैं ना, वो भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले मम्मी ना एक बर्तन में ना, जैसे मिट्टी होती है लाल मिट्टी और गोबर को, मतलब गाय का गोबर होता है, उसको ना घोल के रखती थी। तो जब भी चूल्हा जलता था सुबह का, तो उससे पहले जो है चूल्हे को अच्छे से जो है उससे लेपा जाता था। और ये चीज़ ना मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, और कभी कभी ना मैं इस चक्कर में जल्दी भी उठ जाती थी कि ये काम मैं करूँगी, क्योंकि मम्मी तो सुबह जल्दी उठ के फिर मतलब वही हम मतलब पहले उन्होंने इस चीज़ को किया है, अब हम कर रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज से सामान निकाल लिया है। अभी मैं बनाने वाली हूँ जी पनीर माखन वाला। आपने ये मसाला जो है पूरा रेडीमेड मिल जाता है मार्केट में, तो मैं 2 मसाले के पैकेट लेके आई थी। एक मैं पहले ही बहुत मतलब कुछ दिन पहले यूज़ कर चुकी हूँ, वो शाही पनीर मसाला था या कुछ ऐसे ही था, और ये है पनीर माखन वाला। तो चलिए जी, इसमें मैंने 1 कप दूध में जो है इसको मैं घोल के और रेस्ट करने छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तब तक जो है अपनी तैयारी कर लूँगी। तो चलिए जी, यहाँ पे एक बड़ा टमाटर था, एक छोटा टमाटर, दोनों को मैंने ग्रेट कर दिया है। साथ ही साथ मैंने ग्रेटर को भी धो के रख दूँगी, और इसके बाद ही मैं नाश्ते की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि ये लंच बनेगा। पनीर जो जा रहा है ये लंच में जाएगा हस्बैंड के, और हम लोग जब लंच करेंगे दिन में तो वो हमारे लिए होगा। तो अभी जो है नाश्ता मुझे कुछ और बनाना है। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में बेसन और प्याज के पराठे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 आटा लिया है, 2 चम्मच उसमें मैंने बेसन डाले हैं, साथ में जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, और एक्स्ट्रा मसाले जो हैं वो हींग डाला है, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है, और 1-2 चम्मच के करीब मैं इसमें तेल डालूंगी। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं मोयन के लिए, तो इससे जो पराठे होते हैं ना बड़े सॉफ्ट खस्ता अच्छे से बनते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे 2 से 3 प्याज मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी, तो उसको मैं इसमें मिक्स करूँगी। और अब जो है एक सॉफ्ट सा जैसे नॉर्मल आटा लगाते हैं ना, वैसे मैं इसको आटा लगा दूँगी। और जल्दीबाजी में मैं इसके नीचे कपड़ा लगाना भूल गई, परात के नीचे, नहीं तो खिसकता है ना आराम से, आटा नहीं गूंथा जाता। तो बस यहाँ पे कपड़ा रख के नीचे और अब आटा गूंथूंगी। फ्रेंड्स, सुबह का जो टाइम होता है ना, इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है ना, मतलब सभी का मतलब बच्चे और इनका सबका जो है लंच और नाश्ता एक साथ ही पैक करना होता है और इनको देना होता है, तो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने बना लेते हैं पनीर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें मैंने जो ग्रेट किया था टमाटर वो इसमें डाले हैं। 4-5 मिनट पकाया है, या जब तक ऑयल रिलीज नहीं हो जाता तब तक पकाना है। इसके बाद ही जो पेस्ट बनाया था ना मसाले का, वो इसमें ऐड कर देना, बाकी अपने हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए और इसको 4-5 मिनट के लिए फिर से पकने के लिए छोड़ देना है। तब तक जिधर ये पक रहा है इधर जो है मैं फटाफट से पराठे बना लेती हूँ, तो बच्चों को नाश्ता भी करा दूँगी, और ये तो हस्बैंड के लंच में जाएगा ना पनीर, तो तब तक ये पनीर भी बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए जी, बना लेते हैं फटाफट से पराठे। तो आज मैं स्क्वायर वाले पराठे बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ना मुझे यही पसंद है, मायके में मैंने मतलब यही बनते हैं हमारे वहाँ पे, और मैंने यही बनाए हैं शुरू से, तो यही अच्छे लगते हैं मुझे ज़्यादा। और जैसे कि कभी हमारे पास पहले दिन की दाल वगैरह बच जाती ना, तो उसको भी हम जो है आटा जब लगाते हैं ना, तो उसको भी दाल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा टेस्टी ये पराठे बन जाते हैं। और जब भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो मैं इस तरीके से ये बेसन प्याज के पराठे बना देती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और स्पेशली दही के साथ तो क्या कहने, और बच्चे भी सभी जो है दही के साथ लेने वाले हैं ये पराठे। तो अभी जैसे कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो वो लंच वगैरह नहीं लेके जा रहे हैं, बस नाश्ता करके जाते हैं और फिर जो है आ जाते हैं 10:30-11 बजे तक घर पे, तो फिर आके नाश्ता कर लेते हैं। इधर जो है 4-5 मिनट जब वो ग्रेवी पक गई थी, तो मैंने उसमें पनीर ऐड कर दिया था, 2-3 मिनट पनीर को भी पकाया है, और अब जो है मैंने इसमें 1 मक्खन का टुकड़ा बटर डाला है। पनीर माखन वाला है तो इसमें
मक्खन तो जाएगा ही जाएगा। तो चलिए जी, बहुत ही जल्दी इजी मतलब झटपट से बन गया, ना कोई मसाला भूनना पड़ा मुझे, ना प्याज व्याज ग्रेवी वगैरह कुछ नहीं। बस टमाटर जो है थोड़े से मैंने लिए थे ग्रेट करके, और उसी में जो है इस तरीके से फटाफट से बन जाता है, और कभी कभी ये मसाले काम भी आते हैं, अच्छे रहते हैं। तो चलिए जी, मैंने सेकंड टाइम यूज़ किया है ये मसाला। तो इधर मैंने हस्बैंड को दिया हुआ है नाश्ता, तो इनके लिए मैं चाय लेके गई हूँ। ये कर रहे हैं अपना आराम से नाश्ता, और खुशी अभी स्कूल जा चुकी है, तो साथ में मैं थोड़ी सी 2 घूंट चाय ली है मैंने, तो इतनी ही लेती हूँ मैं, ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं करता सुबह सुबह खाली पेट। तो बस यहाँ पर जो है चाय पीऊँगी, और इसके बाद ही फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अभी जो है इनका लंच पैक करना भी रह गया है। साथ में मैं आजकल इनको कुछ दिनों से दे रही हूँ नमक और चीनी का घोल वाला पानी 1 बॉटल में, क्योंकि इनका कुछ दिन से थोड़ा सा बीपी लो वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है इनको, जैसे सर में दर्द या थोड़ा सा हल्के से सर घूमना ना, इस तरीके की प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने कहा है कि मतलब इस तरीके से अपने पास नमक चीनी का घोल रखिए, तो जब भी दिक्कत हो तो इस तरीके से पीते रहिए। तो ये लगभग मैं रोज़ ही दे देती हूँ, तो ये 1 बोतल जो है दिन भर में ख़त्म कर ही देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इनका टिफ़िन भी पैक हो चुका है, साथ में मैंने सलाद भी रखे हैं, ये साथ में एक हरी मिर्ची, क्योंकि इनको हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मौसम कैसा हो रहा? नीचे देखा मैंने तो अर्चना घूम रही है सड़क में, शायद वो ऑटो का वेट कर रही है। हो गई है कुछ है? इनके ऊपर से घास हटा दिया आपने? अच्छा फ्रेंड्स, रात को पूरी बारिश हुई थी ना, गीला गीला हो रहा है सारा मौसम भी आज ऐसा हो रहा है। पर आज देखिए रेड वाला खिल गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ना मैं इनको ऐसे छेड़ती रहती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बोलते हंसते नहीं है ना, तो इसलिए जो है मैं इनको हंसाने की कोशिश करती रहती हूँ। गौरव भी जा चुका है स्कूल, फिर से ढक दिया गया है, इसमें हमने लगाए हैं स्ट्रॉबेरी, तो अभी होंगे, हो जाएगा इनको हफ्ते भर ना। ये देखिए ऐसी स्ट्रॉबेरी होंगे, ये है इनकी मेहनत है, खाएंगे। कैसे स्माइल ले रहे हो फ्रेंड्स? मैं इसको बता रही थी ना कल आपको, इसका नाम मुझे पता नहीं था, ये है टर्टल वाइन। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इनको भेजने के बाद जो है लग गई हूँ अपने कामों पे, तो फटाफट से करेंगे काम और समेटेंगे पूरा घर। तो ये वाला रूम मतलब जो बच्चों वाला रूम है, यहाँ की बेडशीट मैंने सुबह ही उठा दी थी, हटा दी थी मतलब, तो यहाँ पे मैं दूसरी बेडशीट लगाऊंगी, और सुबह ही मेरी झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में, और मतलब डिपेंड करता है, कभी कभी सुबह क्या होता है कि मेरी झाड़ू भी हो जाती है और पोछा भी हो जाता है, और कभी कभी जो है झाड़ू ही हो पाती है, मतलब 6 बजे तक जितना काम हो सके। तो डिपेंड करता है कि मैं सुबह कितने बजे उठी हूँ, अगर मैं 4 बजे उठ जाती हूँ तो और जल्दी मेरे काम हो जाएंगे, 4:30 बजे उठूँगी तो थोड़े से कम होंगे, 5 बजे उठूँगी तो बहुत कम होंगे। तो इस तरीके से ना डिपेंड करता है कि मैं कितने बजे उठती हूँ और कैसे मेरे काम होंगे फिर। और क्योंकि 6 से 7, 7:30 जब तक ये लोग नहीं जाते, इनके पापा नहीं जाते, तब तक जो है उसके बाद तो घर के किसी भी काम को मैं छेड़ती नहीं, बस इनके जाने के बाद ही काम को छेड़ती हूँ। और उनके जाते ही जो है मैंने किचन का काम किया है, किचन में सारे बर्तन धो के किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके आ चुकी हूँ। इसके बाद इस रूम में, इस रूम को मैंने समेट लिया है, अच्छे से डस्टिंग कर ली है बेड की, और इसके बाद ये वाले जो दरवाजे हैं, इस वाले रूम के दरवाजे साफ करूँगी। तो एक फ्रेंड का कमेंट आ रहा था कि आप अपने घर के खिड़की दरवाजे कब साफ करते हो,
तो देखिए डिपेंड करता है कि गंदे कितने हो रहे हैं, और ऊपर से जो है ना मैं सारे दरवाजे जो है एक साथ ही नहीं करती हूँ। कभी किसी दिन किसी रूम के कर लिए, किसी दिन कोई दरवाजा कर लिया, इस तरीके से मेरा चलता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है मेरा कि मतलब मुझे इसी दिन जो है खिड़की दरवाजे साफ़ करने। जिस दिन मुझे जिस कमरे की खिड़की दरवाजे गंदे नज़र आते हैं मैं उसी दिन साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे में ना काम भी जल्दी हो जाते हैं, घर तो खैर साफ़ रहता ही है, काम भी जल्दी हो जाते हैं, और एक साथ आपको रो एक दिन मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना तो बस मेहनत भी कम लगेगी और घर भी हमारा साफ़ सुथरा रहेगा और हमारा टाइम की भी बचत होगी। तो इस तरीके से थोड़े से टाइम में ही फटाफट से घर की अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो बस उस रूम के मैंने खिड़की दरवाजे साफ़ किए हैं, इसके बाद ही ना यहाँ आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो इस वाले रूम की बेडशीट मैं कल चेंज करने वाली हूँ, आज नहीं करूँगी। तो बस इसको मैंने अच्छे से झाड़ लिया है, थोड़ा सा डस्टिंग कर ली है बेड की, और इसके बाद ही पूरा रूम मैं ठीक ठाक करूँगी। जितना फैला हुआ है उसको मैं अच्छे से समेटूँगी, क्योंकि जब ये लोग जाते हैं तैयार होते हैं तो बहुत ज़्यादा बिखेर के जाते हैं घर को, तो वही सब जो है करना होता है और यहीं पे जो है हमारी मेहनत लगती है घर को समेटना। बाकी झाड़ू पोछा तो खैर फटाफट हो जाता है, लेकिन समेटना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ को उसकी जगह पर नहीं पहुँचाया जाए तो घर आपका बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं लगता है। तो हर एक चीज़ को उसकी जगह पर अच्छे से रखना, तभी जाके घर आपका ऑर्गेनाइज लगता है। तो चलिए जी आ गई हूँ बाहर। तो ये वाला डाइनिंग जो है मुझे भी मतलब लगभग मुझे डेली साफ़ करना होता है इसको। कभी मैं कॉलिन से करती हूँ और कभी जो है ऐसे ही कर देती हूँ, मतलब डिपेंड करता है कि कितना गंदा हो रहा है। तो इसके चेयर वगैरह भी मैंने ऊपर से साफ़ कर लिए, क्योंकि आगे पीछे करते हुए जो है हाथ लगते हैं ना इन पर, तो कुछ ना कुछ निशान गंदे वगैरह हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितना भी डस्टिंग वगैरह करना था मैंने घर में वो कर चुकी हूँ मैं, बैठक वगैरह सब कुछ। तो अब जो है लगा लेते हैं पोछा। तो ये फ्रिज से पानी निकल रहा है, क्योंकि रात को मैंने डिफ्रेशर वाला बटन दबा दिया था ना, तो काफ़ी सारा पानी निकलता है। उसको अच्छे से पोछा लगाने के बाद जो है अच्छे से किचन में पोछा लगाते हुए पूरे घर में मैं पोछा लगा के आ चुकी हूँ। अब आ चुकी हूँ मैं बाहर बालकनी में। तो इधर भी पानी पानी हो गया था ना, वैसे इधर सफाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कल ही मैंने इस पर यहाँ पर अच्छे से धुलाई की है, और फिर भी जो बारिश की वजह से पानी पानी हो गया था ना, तो उसकी वजह से जो है मैंने यहाँ पे फटाफट से पोछा लगा दिया है। तो चलिए जी उधर पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ ऊपर सीढ़ियों में। तो इधर भी मैं फटाफट से लगाऊंगी पोछा। तो चलिए फ्रेंड्स एक कमेंट पढ़ लेते हैं। तो हमारी एक नेगी बहन है, तो पूनम है उनका नाम, तो उन्होंने नाम लेने को बोला है। तो थैंक यू सो मच पूनम जी, आप हमारा ब्लॉग देखती हैं और आपको ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी तरीके से ना अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं ना और एक लाइक होता है वही जो है मुझे हिम्मत देता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरी सीढ़ियाँ अच्छे से साफ़ कर ली है, और इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको पूरा घर कैसे लगता है साफ़ होने के बाद। और इतनी कड़ी मेहनत के बाद जो सुकून मिलता है ना मन का, वो बहुत ही अद्भुत होता है सच में। मतलब लगता नहीं है कि फिर मतलब जो मेहनत होती है, जो थकान होती है ना, वो कहीं गायब हो जाती है पल भर में पूरा घर पे एक राउंड मारने के बाद। तो चलिए जी पूरा घर में एक राउंड मारेंगे, क्योंकि देखेंगे ना कि कितनी मेहनत करी है और कैसे मेहनत हमारी निखर के आई है। तो बस यहाँ पे इस तरीके से पूरा घर डेली साफ़ सुथरा होता है और डेली ही ऐसी मेहनत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ कपड़े हैं जो इधर डाले हुए हैं, क्योंकि कल दिन में बारिश हो गई थी बहुत झमाझम, तो बस ये कपड़े मैं पहले छत पर डाल के आऊँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने। तो उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपको लंच टाइम में। तो लंच का भी ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि लंच सुबह के ही बना हुआ था, तो सब्जी बनी हुई थी बस। मैंने अभी रोटियाँ बनाई हैं, आज दाल चावल नहीं बने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है दिन में जो है दाल चावल ही बनते हैं, रोटियाँ तो बहुत कम बनती है, बहुत रेयर एकदम। तो आज बन गई है, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी वैसी थी ना, ग्रेवी ज़्यादा नहीं थी, तो नहीं तो हम उसमें भी चावल ही बनाते। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लंच करने के बाद जितने बर्तन थे वो मैं धो के आ गई हूँ, बर्तन ज़्यादा नहीं थे। इसके बाद ही मेरे कपड़े हैं, इनको लेके जाऊँगी और इनकी फ़ोल्ड करके तब जाके जो है आराम से रेस्ट करूँगी। तो इस तरीके से रहता है जी दिन हमारा। और आज मैंने दिन भर में कोई भी मतलब सुबह जो सफाई थी उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद ही जो है मैं वैसुक को पढ़ाने बैठ गई थी। तो मैंने पूरा 2 से 3 घंटे जो है उसको दिए हैं, उसको पढ़ाया है। और अभी जो है ये कपड़े लेके जाऊंगी तो थोड़ा बहुत जो है अभी भी देखूंगी, क्योंकि जब बच्चों का एग्ज़ाम टाइम होता है ना तो थोड़ा सा उन पर ध्यान देना होता है। और क्योंकि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन अकेले उनको पढ़ने बैठा दो ना तो पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर मस्ती मारते रहेंगे। तो यहाँ पर वैसुक पढ़ रही है, तो थोड़ा सा मैं उसको पढ़ाऊँगी। यहाँ पर कुछ पूछ रही है या फिर वो कुछ शायद सुना रही है, मतलब उसने याद किया है, उसको याद करने दे गई थी, तो वही सब
मैंने सुना, फिर जो है कपड़े फोल्ड करूँगी। हाथ के हाथ कपड़े फोल्ड हो जाए ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर ये इधर उधर पड़े रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड कर देते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।